हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके यूजेस, डोसेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इसे लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके किस इलाज के लिए लिख कर दे रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लूमरेक्स 80 टैबलेट की। इसमें आपको वेरियंट अलग मिल सकता है, ये आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको दो कंटेंट मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है इसमें आर्टेमेथर और दूसरा आपको मिल रहा है लीमेफ्रेंटाइन। तो ये दोनों भी कंटेंट आपके मलेरिया के इलाज के लिए डॉक्टर्स आपके लिए यूज करते हैं। मलेरिया के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो परजीवी होते हैं, इनको फैलने से रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल आपके लिए करते हैं। ये आपके परजीवियों को मारकर मलेरिया का जो खतरा होता है इसको कम करने का काम आपके लिए करता है, और साथ ही में संक्रमण जो होता है इसका, इन्फेक्शन, इसको बढ़ने से रोकता है। ऐसा जो इन्फेक्शन होता है जो आपके मच्छर के काटने से आपको हो जाता है, जो मलेरिया है अलग अलग तरह के मच्छर के काटने से भी होता है, या फिर मलेरिया का जो पर्टिकुलर मच्छर होता है वो भी काटने से हो जाता है, तो ये उन सभी खतरों को आपके कम करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मलेरिया हो गया है, बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल चुका है, तो उसको कंट्रोल करने का काम ये टैबलेट आपके लिए कर देती है। अवधि के हिसाब से चलने वाली टैबलेट है, जितने भी टाइमिंग के लिए डॉक्टर लिख कर दे रहे हैं उतने पूरे टाइमिंग के लिए इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे लेने से आपको बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर, कपकपी, सर दर्द का अनुभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस दवा के साथ कोई और दवा आपको नहीं लेनी है, और साथ ही में किसी भी तरह की एंटासिड भी आपको नहीं लेनी है। अगर आपको एसिडिटी होती है किसी टैबलेट से पर्टिकुलर, या फिर सभी टैबलेट से होती होगी, तो आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। अगर हो सके तो इसे लेने से पहले आपको डॉक्टर एंटासिड की टैबलेट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है आपके खून में हीम के लेवल को बढ़ाकर परजीवियों को मारता है, साथ ही में इन्फेक्शन को फैलने से भी रोक लेता है। खाने के साथ या किसी भी मतलब बिना खाए भी ले सकते हैं, लेकिन खाने के साथ या फिर किसी लिक्विड के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये नहीं है कि पूरा भूखा पेट रहकर लेंगे तो आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम भी हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको, अगर आप खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो आप कोई दूध या फिर कोई लिक्विड ले सकते हैं और उसके साथ इस टैबलेट को आप ले सकते हैं। इसे लेने से चक्कर भी आ सकती है, तो कहीं आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसके दौरान इसको लेना हानिकारक हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि कहीं आप बाहर जा रहे हैं या फिर इसको ड्राइविंग के दौरान लेना भी आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। किडनी लीवर के अगर आप पेशेंट हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिना डॉक्टर के सजेशन के आप इस टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं लेंगे हैं। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केमिस्ट के शॉप पर जाएंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर देनी पड़ेगी इस टैबलेट के लिए, और डबल डोज किसी भी वजह से नहीं होना चाहिए। अगर दिन में आपके दो डोसेस चल रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपको एक डोज और दूसरी डोज के बीच में 7 से 8 घंटे का अंतर रखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्कोहलिक लोगों के लिए तो ऑब्वियसली असुरक्षित है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वाली नींद आ सकती है, बेहोशी हो सकती है, ड्राउजीनेस भी इनको हो सकती है, तो ऐसे लोगों ने भी इस टैबलेट का इस्तेमाल अल्कोहल के साथ नहीं करना है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट है जो बिल्कुल नॉमिनल है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको भूख में कमी हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, कमजोरी रह सकती है, थकान भी आपको लग सकती है इस वाली टैबलेट से, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये अपने आप अपने हिसाब से चले जाते हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। इसमें आपको इप्का कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो 6 टैबलेट की 1 स्ट्रिप आ रही है। 1 स्ट्रिप की जो कीमत है वो 156 रुपीज, मतलब 156 रुपए 6 टैबलेट की आपको कीमत आने वाली है। अब बहुत सी कंपनियां हैं आपको सेम कंटेंट बनाकर दे देगी। मेरे भी चैनल पर आप देखोगे तो आपको अलग कंपनी के साथ ये कंटेंट मिल जाएगा। इसकी प्राइस भी आपको अलग होगी, क्योंकि हर कंपनी के अपने अपने प्राइजेस होते हैं। अब 6 टैबलेट के प्राइजेस आपको 156 रुपीज़ इतने आ रहे हैं। पैकिंग में अगर चेंज होगा, अगर आप सेम भी इप्का कंपनी के लेने जाओगे, पैकिंग अगर नई पुरानी होगी तो भी प्राइसिंग में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर मेडिसिन के जो प्राइस होते हैं ये 2-3 महीनों में बदलते रहते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा महंगा सस्ता आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, माइनर सा हल्का सा फर्क इसमें चलता है। सो फ्रेंड्स, अलग कंपनी की लोगे तो भी यही बात होगी कि आपको प्राइसिंग में थोड़ा सा माइनर सा फर्क दिखाई देने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी टाइप्स के वीडियोस को देखने के लिए, हर मेडिसिन का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।